भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। लेकिन यह भी देखना है कि मंत्री पहुंचते नहीं पहुंचते, क्योंकि अजीत ये जानकारी दे रहे हैं कि कई मंत्री भी पहुंचेंगे और उसके बाद लोक भवन में एक बैठक होनी है। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, कितनी देर में सीएम आवास पर केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं? देखिए, चूंकि अब हालचाल तेज हो चुकी है और हालचाल से जुड़ी हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और आपको तस्वीर दिखाने के साथ साथ बताएंगे कि तमाम, देखिए अब अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर अब पहुंच रहे हैं और अभी कुछ देर के बाद दोनों डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। चूंकि 10 बजे कैबिनेट बैठक होनी है, उससे पहले ये एक मुलाकात जो है ये मुख्यमंत्री आवास पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जो है मुलाकात करेंगे, उसके बाद सीधे यहीं से। विशाल, महत्वपूर्ण ये भी है, कल भी हमने देखा मंत्री बनाने से पहले एक बैठक, फिर हमने देखा कि मंत्री परिषद को लेकर एक बैठक, आज हम देख रहे हैं कि विभागों के बंटवारे से पहले एक बैठक। बड़े मायने है कि योगी आदित्यनाथ हर चीज को किस तरीके से अब बैठकों के जरिए संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है और अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाते रहें, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त जो है बहुत जरूरी है। हर पल की जो अपडेट है वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दे रहा है, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर हो रहा है वो तस्वीर दिखा रहा है। और विशाल लौट रहे हैं, आपके पास में कोई अपडेट हो तो बताइएगा। लेकिन मयूर का रुख करते हैं, मयूर के पास कोई खबर? मयूर, अपडेट दीजिए। ब्रजेश पाठक निकल चुके हैं वहां से, डिप्टी सीएम? नहीं जी, बिल्कुल, देखिए 9:45 बजे सीएम आवास पे पहुंचना है दोनों डिप्टी सीएम को, उसके बाद लोकभवन जाके जो मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। लेकिन ब्रजेश पाठक के घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही तमाम पूरे प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उनको बधाइयां दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी फिलहाल आप देखिए तस्वीर है, यहाँ पर अभी वो अंदर मौजूद है, क्योंकि उनकी जब भी वो निकलते हैं तो सभी से मिलते हैं, कभी भी किसी को निराश नहीं करते। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें सबसे पहले जी मीडिया पे, अभी वो निकलने की कयास में है और प्रयास में है। ऐसे में अभी जब बैठक होगी उसके बाद शायद ये तय हो पाएगा कि कौन सा जो है विभाग इनको मिलेगा, क्योंकि कद बड़ा है, पद बड़ा है, चुनौती बड़ी है। और चलिए मयूर का रुख करेंगे, अभिवादन कर रहे हैं, मयूर का रुख करेंगे। अभी ब्रजेश पाठक यानी कि घर पर ही हैं अपने, 9:45 बजे उन्हें मुख्यमंत्री आवास पहुंचना है, वहां मुलाकात की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मयूर जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेश पाठक के करीब जाने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से बात करेंगे कि कितने बजे लगभग पहुंचेंगे। आपको कई बजे जानकारी है? 10:10 बजे की, कार्यकर्ता बड़े हैं यहाँ पे, बड़ा उत्साह है। 10 बजे चलेंगे, मयूर 10 बजे कह रहे हैं मुझे निकलना है। चलिए जी, लौट रहे हैं आपके पास में विशाल, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सीएम आवास पे उसके की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ब्रजेश पाठक ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की एक बार फिर से, और कहना है कि 10 बजे उनको सीएम आवास में पहुंचना है, क्योंकि कार्यकर्ता यहां पर है, सभी से मिलना भी जरूरी है, सुबह से वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं। तमाम लोग आए आपसे बात करेंगे, कहां से आए भाई साहब आप? हम अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से क्या बधाई देने आए, मुलाकात हुई आपकी? हाँ मुलाकात हो गई, यही तो ब्रजेश पाठक जी की खूबी है, वहां दूर से देखकर उन्होंने हाथ हिलाया, हाथ हिलाने के बाद हमारे पास आए। बहुत पुराना साथ है हमारा और पाठक जी का, बहुत खुशी हुई है। यद्यपि सारी बातें पहले भी ब्राह्मणों की सुनी जाती थी, लेकिन पाठक जी के यहाँ पर अभी एक ब्राह्मण चेहरा, जैसा कि आप बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा के तौर पे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। उन्होंने भी यही बात की, ब्राह्मणों की बात पहले भी ये सुनते थे, आज भी तमाम प्रदेश भर से जो तमाम जो यहाँ पे कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं, जो तमाम ब्राह्मण है, उनकी बात भी अब सुनी जाएगी, क्योंकि अब कद बढ़ गया है, पहले कानून मंत्री थे, अब डिप्टी सीएम हो गए। तो ऐसे में निकलने का प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि 9:45 बजे सीएम आवास में पहुंचना है, बैठक है, उसके बाद लोकभवन जाना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतने कार्यकर्ता है, सभी का अभिवादन करते हो, कहना ये इनकी खूबी है, किसी से भी एक कार्यकर्ता चाहे वो कोई भी हो उससे वो मुलाकात करते हैं। फिलहाल तस्वीरें ये हैं कि अभी निकलने का प्रयास कर रहे हैं, समय पर पहुंचेंगे, उसके बाद वहां पर लोकभवन में जो बैठक होगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार ब्रजेश पाठक को कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे। चलिए लौट रहे हैं आपके पास में, अजीत का रुख करते हैं। अजीत, हम देख रहे हैं कि जिसका जिक्र हम विशाल से भी कर रहे थे, कल भी बैठक कई सारी हुई, रात को भी एक बैठक की गई, सुबह भी अब बैठक हो रही है विभागों के बंटवारे से पहले सीएम आवास पर, फिर कैबिनेट की एक बैठक होगी। देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कैसे सक्रियता बढ़ गई, और वो मंत्रियों को भी ये निर्देश और संदेश देना चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से बिना रुके काम करना होगा, ताकि विरोधी सवाल ना खड़े कर पाए और जो चुनावी वादे हमने किए वो पूरे करें। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।
जहां मिलेगी आपको आपके जरूरत की सभी खबरें।